हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ आप लोग को, ये देखिए, लोगों को भी दिखा सको, इसलिए चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका अंदर है ये रहा, और इसको देखिए दुकानदारों ने काफ़ी अच्छा सा वो कैरी बैग भी दिया हुआ है। इसमें तारंग लिखा हुआ है, द टेक्नोलॉजी शॉप। इसके अंदर मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट का बाद में बताऊँगा। चलिए इसको पहले देखते हैं। ये कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रंट में। इसमें लिखा हुआ है 9 Pro Plus, और इसको तो प्राइस लिखा हुआ है 29,999। कितना पड़ा है वो बाद में बताऊंगा। चलिए इसको देखते हैं अंदर में कैसा चीज़ है। ये रहा इसका जन्म कुंडली, जो कितना मैं लाया हूँ ये रखते हैं बाहर। और येलो बॉक्स एक है, इसमें क्या है बाद में देखते हैं। सफ़ेद देख जो का अंदर क्या है देखते हैं। ये थोड़ा जन्म कुंडली है, इसका रखते हैं साइड में। और ये रहा इसका अंदर एक चार्जर है, एडेप्टर है, और ये केबल है, और तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए, बहुत बड़ा साइज दिया है रियलमी ने, 60 वाट का एडेप्टर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और केबल एक है, इसको निकाल के देखते हैं। केबल बहुत मजबूत केबल दिया है। और इसका अंदर में क्या है ये देखते हैं, किधर से खुलता है। और इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। और इसका अंदर अच्छा है बॉक्स, लेकिन इसमें से एक ये पिंग आया हुआ है, और इसमें से एक कवर। और चलिए इसको देखते हैं। तो इसका कैमरा क्वालिटी कैसा आएगा मुझे तो मालूम नहीं है, काफ़ी हद तक तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। एक कैमरा क्लिक करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये रहा कैमरा, अच्छा लग रहा है। इसको अभी देखते हैं कितना जीबी रैम है। जीबी रैम है इसमें, देख सकते हैं आप लोग, 8 GB रैम है। उसके बाद में 3 GB Plus होगा, 11 GB बोल के बोला है, 8 GB तो दिखा रहा है, 3 GB Plus बोल के लिखा हुआ है इसमें। और ये फ़ोन में से अभी से नया ब्लॉग बनेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका बैक तरफ तो आगे तरफ तो देख लिया, इसका किनारे पे छोटा सा कैमरा है, तरफ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं। इसको एक चीज़ अच्छा लगा, जैसे कि ये जैसा फिंगरप्रिंट हो गया, फेस लॉक हो गया, ये अच्छा लगा काफ़ी हद तक। लोग को फ़ोन कैमरा दिखा रहा हूँ, ये रहा फ़ोन कैमरा, एक बार फोटो क्लिक करके देख रहा हूँ, क्वालिटी तो अच्छा ही आ रहा है। ये रहा बैक कैमरा, एक बार क्लिक करके देखते हैं। ये रहा फोटो कैमरा, तो अच्छा है, 5G मोबाइल है।